फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। मैं फिर से अपना नया वीडियो लेके आया हूं और स्पेशली कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के स्टूडेंट के लिए, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बिकॉज इन दो कंट्रीज़ के लोग बहुत ज़्यादा यूके जाने के लिए होते हैं बट फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वहाँ की एजुकेशन को अफोर्ड कर सकें। सो उनके लिए ये जो स्कॉलरशिप्स हैं दोनों जो अवेलेबल हैं आज की डेट में, और इनके बारे में ही मैं आपको बताऊँगा। सिर्फ दो स्कॉलरशिप हैं, अचीविंग स्कॉलरशिप्स है और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है। स्टूडेंट्स चीविंग्स या कॉमनवेल्थ दोनों के लिए मास्टर प्रोग्राम तो अवेलेबल है ही है, बट कॉमनवेल्थ के लिए पीएचडी प्रोग्राम भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट को सबसे पहला काम है जितनी जल्दी हो सके अपना सब्जेक्ट या कोर्स जो भी चाहते हैं सेलेक्ट करें, किस यूनिवर्सिटी में उसका अवेलेबिलिटी है और वहाँ पर अप्लाई कर दें। इस दौरान उनको एक स्टूडेंट आईडी मिलता है, नंबर मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ इनको ये चेक करना है कि इस कॉमनवेल्थ का जो मैं लिंक दूंगा यहाँ जाके स्टडी करिए और उसमें एप्लीकेशन डालिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं आपकी हेल्प भी कर दूंगा। आप मेरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे इस कमेंट में, जीमेल जो भी मैं अपना प्रोवाइड करूँगा। तो दोनों अवेलेबिलिटी हैं और दोनों फुली फंडेड हैं, आपको ट्रेवल ग्रांट देती है तो आपका जीरो पैसा लगना है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी नहीं होती यूके में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ में। सो बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ हार्डवर्क 2-3 घंटे या 1-2 दिन करना होगा। सारा डॉक्यूमेंट अपना बनाइए, पीडीएफ फाइल बनाइए, ऑनलाइन आइए और सारी चीज़ अवेलेबल है वहाँ पर, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कॉमनवेल्थ और चीविंग दोनों वेरी गुड स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत ही अच्छी हैं और मैक्सिमम अच्छा अपना अगर आप एप्लीकेशन करेंगे। मैं एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूँगा, तीन चीज़ें रखनी है। सबसे पहला आपको करना है कि आपके पास जो इंटरेस्ट ऑफ पर्पज है, क्यों आप स्टडी कर रहे हो, बहुत ही अच्छा लिखो उस चीज़ को। लगो सबसे पहला पॉइंट होता है यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटीज़ का और इन स्कॉलरशिप पाने के लिए। स्टडी का पर्पज जितना अच्छा बनाएंगे उतना ही अच्छा आपको स्कोप मिलेगा। दूसरा होता है आप IELTS में कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उस स्कोर को आप 6.5+6.7 या 8 तक ले जाते तो आपके 100% चांसेस होते हैं कि आप मिल जाए। और एक स्कॉलरशिप अभी आने वाली होगी, ब्रिटिश की होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट देती है, वो मैं आपको बताऊँगा। उसकी डेट जब अवेलेबल हो जाएगी तो मैं आपको डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूँगा उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में, जब भी अवेलेबल हो जाएगी। थर्ड पॉइंट होता है आप अपने डॉक्यूमेंटों को सीरियल वाइज लगाइए और रिकमेंडेशन के लिए जो भी आपके हों, दो बहुत होते हैं, बस ये 3 पॉइंट है। आप 3 पॉइंट को स्ट्रांग कर लो, एप्लीकेशन करो और इन स्कॉलरशिप को दोस्तों ज़रा सा भी मिस मत करना, बहुत अच्छी होती हैं और 100 से मैक्सिमम 100 से ऊपर ही स्कॉलरशिप होती हैं, इवन 1000 तक जाती हैं, लेकिन ये सारे 58 कंट्रीज़ के लिए होती हैं जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ थे। दोस्तों ये शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अप्लाई करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो हेल्प मी कर सकता हूँ तुम्हारी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो मेरे वीडियो को। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस।